अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ट्रैवलॉग बाय हमजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कंट्री टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही फेमस और फेवरेट है। सबसे अच्छी बात, पाकिस्तानियों को वहाँ जाने के लिए किसी भी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी उस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर लेंगे। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ अज़रबैजान की। अज़रबैजान पाकिस्तानियों को ई वीज़ा फराहम करता है। अज़रबैजान का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तानियों को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, ना बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, ना हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है और ना ही ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत है। आपने जस्ट अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी को अज़रबैजान की वेबसाइट पर जाके अपलोड करना है, अपना फॉर्म फिल करना है, डाटा एंटर करना है और आपको अज़रबैजान का वीज़ा बआसानी हासिल हो जाएगा। उसमें आपको अज़रबैजान का वीज़ा 3 घंटे में भी मिल सकता है और 3 दिन में भी मिल सकता है। इसकी जो वीज़ा फीस है इसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर आप 3 घंटे में वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है और अगर 3 दिन में हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कम है। अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और वीज़ा हासिल करने का तरीका क्या है, तो मैं इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो का मुकम्मल देख सकते हैं और बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब अज़रबैजान में जाकर PCR टेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन अब अज़रबैजान ने ये जो शर्त है वो भी ख़त्म कर दी है। अब आपको अज़रबैजान जाने के लिए किसी भी तरह का ना क्वारंटीन करना पड़ता है ना PCR टेस्ट करना पड़ता है। आपके पास जस्ट अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।